Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 7, values of trigonometric functions at sum or difference of angles, exercise 7.1, we will continue. Level 2nd, question number 26, if sin alpha plus beta is equal to 1 and sin alpha minus beta is equal to 1 upon 2, where alpha comma beta is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi by 2. Then find the values of tan alpha plus 2 beta and tan 2 alpha plus beta. देखिए यहाँ पर sin alpha plus beta की value 1 दी हुई है, sin alpha minus beta की value 1 upon 2 दी हुई है, और alpha beta जो है वो 0 के equal है या 0 से greater है और 90 से less है. तो हमको tan alpha plus 2 beta और tan 2 alpha plus beta की value calculate करना. तो हम क्या करते हैं कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करके पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और उन अल्फा और बीटा की वैल्यूज को यहाँ टेन अल्फा प्लस टू बीटा और टेन टू अल्फा प्लस बीटा में पुट कर देंगे तो उससे टेन अल्फा प्लस टू बीटा और टेन टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी. साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. अल्फा बीटा की वैल्यू हमको निकालना है, उसके लिए साइन को हमको हटाना पड़ेगा. ये साइन को हटाने के लिए ये जो वन है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में वन जो होती है 90 डिग्री की वैल्यू होती है और जो अल्फा और बीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में या उसके इक्वल दिए हुए हैं. तो वन को हम साइन 90 लिख लेते हैं, विच एम्प्लाइज साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2. अब यहाँ साइन से साइन को हम एडजस्ट कर देंगे तो विच एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1 अपॉन 2 साइन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है और 30 डिग्री आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच में है. साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री. 30 को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं, साइन से साइन एडजस्ट हो जाएगा. सो विच एम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6. लेट सपोज दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखो, इसमें प्लस बीटा और इसमें माइनस बीटा, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल होकर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और फिर अल्फा की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में रख के बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड प्लस कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6. ने लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड प्लस कर दिया, राइट साइड में राइट साइड. ये नेगेटिव बीटा पॉजिटिव बीटा गेट्स कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज अल्फा प्लस अल्फा 2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 को 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं. आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं तो ये 120 डिग्री आ जाएगा. तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल कर दिए तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 या इसको 60 डिग्री बोल सकते हैं. तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3. अब इस अल्फा की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं बीटा की वैल्यू के लिए. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा पाई बाई 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. ये पाई बाई 3 को इधर शिफ्ट करते हैं, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3. तो बीटा इज इक्वल टू 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, 30 को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू पाई बाई 6. तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाई 3 और पाई बाई 6. अब ये दोनों वैल्यूज का यूज करके हम टेन अल्फा प्लस टू बीटा और टेन टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक एक लेते जाते हैं इसका. नाउ टेन अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू, यहां पर टेन ए प्लस टेन बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं,
टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ए के प्लेस पे अल्फा और बी के प्लेस पे टू बीटा है, ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन टू बीटा वन माइनस टेन अल्फा इन टू टेन टू बीटा। ये हमने यहाँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास में है पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री प्लस टेन टू इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई सिक्स अपॉन वन माइनस टेन अल्फा की वैल्यू है पाई बाई थ्री इंटू टेन टू इंटू बीटा की वैल्यू है पाई बाई सिक्स। तो सिंपल करते हैं, ये टू से थ्री टाइम कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी टू से थ्री टाइम कैंसिल कर दो सिक्स को, विच इज इक्वल टू ये टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री मीन्स टेन सिक्सटी डिग्री, टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री प्लस ये भी टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री, टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू अंडर रूट थ्री, नीचे वन माइनस टेन पाई बाई थ्री रूट थ्री इंटू ये भी टेन पाई बाई थ्री, इसकी वैल्यू भी रूट थ्री, टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू रूट थ्री। इसको सॉल्व कर, रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री, वन माइनस रूट थ्री में रूट थ्री का इंटू करेंगे तो थ्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टू रूट थ्री अपॉन वन माइनस थ्री माइनस टू, ये टू से टू कैंसल, माइनस के साइन को ऊपर कर दो तो ये आ गया आपका माइनस अंडर रूट थ्री। ये एक आंसर हो गया हमारा टेन अल्फा प्लस टू बीटा का। अब ऐसे ही हम दूसरा टेन टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एंड टेन टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी का यूज कर लेते हैं, तो टेन ए के प्लेस पे टू अल्फा है प्लस टेन बी के प्लेस पे बीटा है अपॉन वन माइनस टेन ए, ए के प्लेस पे टू अल्फा, तो टेन टू अल्फा इन टू बी के प्लेस पे बीटा टेन बीटा। इसमें वैल्यू रख देते हैं, विच इज इक्वल टू टेन टू अल्फा की वैल्यू पाई बाई थ्री है, ये पाई बाई थ्री रख दिए, प्लस टेन बीटा की वैल्यू है पाई बाई सिक्स अपॉन वन माइनस टेन टू और अल्फा की वैल्यू पाई बाई थ्री इंटू टेन बीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स, विच इज इक्वल टू टेन टू पाई बाई थ्री, टेन टू पाई बाई थ्री मतलब टेन वन ट्वेंटी डिग्री, और टेन वन ट्वेंटी डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। देखिए मैं निकालता हूँ यहाँ टेन वन ट्वेंटी डिग्री की वैल्यू, देंस टेन टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री मीन्स वन ट्वेंटी, इसको हम टेन पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, एलसीएम थ्री ले लेंगे, थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाई थ्री, विच इज इक्वल टू टेन वन एट्टी माइनस थीटा, वन एट्टी माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन प्लस होता है ये टेन है तो माइनस हो जाएगा और 180 में नो चेंज, ये हो गया माइनस टेन पाई बाई थ्री, माइनस साइन एज इट इज और टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री वैल्यू आ गई टेन वन ट्वेंटी डिग्री की या टू पाई बाई थ्री की, इसका यूज कर लेते हैं हम यहाँ, चलिए रखिए वैल्यू, तो ये हो गया टेन टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री की वैल्यू माइनस रूट थ्री प्लस टेन पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री अपॉन वन माइनस टेन टू पाई बाई थ्री या टेन वन ट्वेंटी डिग्री की वैल्यू माइनस रूट थ्री, ये माइनस रूट थ्री एन टू टेन पाई बाई सिक्स या टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री, इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो रूट थ्री, ये हो जाएगा वन से डिवाइड के रूट थ्री का इंटू करेंगे तो माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री प्लस रूट थ्री से डिवाइड के वन का इंटू करेंगे वन, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेते हैं अपन रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट थ्री और ये माइनस माइनस प्लस, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, वन इंटू रूट थ्री रूट थ्री। अब ये
रूट थ्री डबल फ्रैक्शन में है, ये रूट थ्री ऊपर जाएगा, ये रूट थ्री नीचे आएगा, हम इसको यही कैंसिल कर देते हैं, ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, और रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री, ये टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो ये माइनस वन अपॉन रूट थ्री वैल्यू आ गई, माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ये आपका आंसर हो गया टेन टू अल्फा प्लस बीटा का माइनस वन अपॉन रूट थ्री। दोनों आंसर निकाल दिए हमने, माइनस वन अपॉन रूट थ्री आ गया एक, और एक आंसर आया था माइनस रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर 27, इफ अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 6 cos x plus 8 sin x is equal to 9, find the value of sin alpha plus beta. देखिए अल्फा और बीटा जो है x की दो डिफरेंट वैल्यू है और लाइव बिटवीन 0 एंड 2 पाई, और वो जो है अल्फा और बीटा वो 0 और 2 पाई के बीच में, मतलब 0 से 360 के बीच। सेटिस्फाई द इक्वेशन 6 cos x plus 8 sin x is equal to 9 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको sin alpha plus beta की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। तो पहले मैं कंडीशन ले लेता हूँ, 6 कॉस एक्स प्लस 8 साइन एक्स इज इक्वल टू 9, तो विच एम्प्लाइज ये 6 कॉस एक्स को ही रहने देते, 8 साइन एक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 6 कॉस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 8 साइन एक्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 6 स्क्वेयर 36 कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, इधर a माइनस बी होल स्क्वेयर के एडिट लगाएंगे, ए स्क्वेयर 9 स्क्वेयर 81 प्लस बी स्क्वेयर 8 स्क्वेयर 64 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2ab, तो 9 8 जा 72, 72 इंटू 2 144 माइनस 144 साइन एक्स, ए माइनस बी होल स्क्वेयर के आइडेंटिटी से ओपन कर दिए। अब इधर साइन स्क्वेयर एक्स और साइन एक्स है, तो इस कॉस स्क्वेयर एक्स को भी हम साइन स्क्वेयर एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पूरा इक्वेशन साइन में आ जाएगा, 36 इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिख देते हैं, आइडेंटिटी अपने पास में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1, तो कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 81 प्लस 64 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 144 साइन एक्स, 36 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 इंटू 1 36 माइनस 36 साइन स्क्वेयर एक्स और इज इक्वल टू 81 प्लस 64 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 144 साइन एक्स। अब इधर शिफ्ट करके ले आते हैं सबको, तो 36 माइनस 81 माइनस 36 साइन स्क्वेयर एक्स और ये माइनस 64 साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, फिर 81 को ले हमने माइनस 144 को लाएंगे, तो प्लस 144 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 36 माइनस 81 11 माइनस 8 11 माइनस 6 करेंगे तो 5, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, माइनस 45 माइनस 36 माइनस 64 दोनों को प्लस कर दो, साइन माइनस का लगा दो, 6 प्लस 4 10, 3 6 9 1 10 100 साइन स्क्वेयर एक्स और 144 साइन एक्स प्लस का प्लस 144 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये माइनस 100 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 144 साइन एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म को अपन नेगेटिव नहीं रखते, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो ये 100 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 144 साइन एक्स और प्लस 45 इज इक्वल टू 0. अब देखिए एक कंडीशन दी हुई है, अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, अल्फा और बीटा जो है एक्स की दो डिफरेंट वैल्यूज है,
और जब अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो उसमें एक्स की दो वैल्यूज आती है, एक वैल्यू को अपन अल्फा बोलते हैं, एक रूट को अपन अल्फा बोलते हैं, दूसरे रूट को बीटा बोलते हैं। यहाँ पे इक्वेशन अपना साइन अल्फा, यहाँ पर इक्वेशन अपना साइन एक्स की टर्म में है, तो इसकी जो एक रूट आएगा वो साइन अल्फा आएगा और दूसरा रूट जो आएगा वो साइन बीटा आएगा। इस इक्वेशन के दो रूट को अपन साइन अल्फा और साइन बीटा ले लेंगे। तो लिख देते हैं हम इसको, टेंस अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, देयरफॉर साइन अल्फा एंड साइन बीटा आर टू रूट्स, आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट होंगे, एक होगा साइन अल्फा और एक होगा साइन बीटा। अब हमारे पास में दो रूट है साइन अल्फा और साइन बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और दो रूट रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा वो सी अपॉन ए होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दैट इज साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और सी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सी की वैल्यू है 45 और ए की वैल्यू है 100। ये 45 अपॉन 100 इसको कैंसिल कर लो 5 से, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 0 9 अपॉन 20। तो ये आ गया आपका 9 अपॉन 20। ये हमने वैल्यू निकाल लिए साइन अल्फा साइन बीटा की। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं कि ये जो कंडीशन है इसको एक बार फिर से ले लेते हैं, इस कंडीशन को एक बार फिर से लेके कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद में हमको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा चाहिए। तो साइन अल्फा प्लस बीटा में तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं आता, तो उसके लिए हम कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा आने के बाद में उसकी हेल्प से अपन साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब फिर से मैं एक बार ये कंडीशन को ले लेता हूं, ए 6 कॉस एक्स प्लस 8 साइन एक्स इज इक्वल टू 9 को। अगेन 6 कॉस एक्स प्लस 8 साइन एक्स इज इक्वल टू 9। ये कंडीशन को मैंने फिर से ले लिया। पहली बार में हमने क्या किए थे, साइन एक्स को इधर शिफ्ट किए थे, अब इस बार हम कॉस एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं, विच एम्प्लाइज 8 साइन एक्स को ही रहने दो इज इक्वल टू 9 माइनस 9 माइनस 6 कॉस एक्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 8 स्क्वेयर 64 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, इधर ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्म लगाएंगे, 9 स्क्वेयर 81 प्लस बी स्क्वेयर करेंगे 6 6 जा 36 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2ab 9 6 जा 54 54 2 जा 108 माइनस 108 कॉस एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब इनको इधर से, अभी इधर कॉस स्क्वेयर एक्स और कॉस एक्स है, तो ये साइन स्क्वेयर को भी हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज 64 साइन स्क्वेयर एक्स कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 81 प्लस 36 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 108 कॉस एक्स। ये ब्रैकेट खोलते हैं, 64 माइनस 64 कॉस स्क्वेयर एक्स, और इनको शिफ्ट करके इधर ले आते हैं, ये माइनस 81 माइनस 36 कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 108 एक्स 108 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 64 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 36 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 100 कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, उसके बाद 108 कॉस एक्स अकेला है प्लस 108 कॉस एक्स, और उसके बाद 64 माइनस 81, तो 81 में 64 माइनस कर लेते हैं माइनस आ जाएगा, 11 माइनस 4 करेंगे तो 7 और 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 माइनस 17।
इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, इसके लिए माइनस साइन का इंटू कर लेते हैं माइनस वन का। ये 100 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 108 कॉस एक्स और प्लस 17 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कॉस एक्स के टर्म में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉस के टर्म में है तो अल्फा और बीटा जो थे एक्स की दो डिफरेंट वैल्यूज थी, तो इस इक्वेशन के जो दो रूट होंगे वो कॉस अल्फा और कॉस बीटा होंगे। सेंस अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, देयरफोर कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के दो रूट कॉस अल्फा और कॉस बीटा होंगे। यहां से हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं रूट का, दैट इज कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहां सी के प्लेस पे 17 और ए के प्लेस पे 100 है, तो ये हो जाएगा 17/100। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू आ गई 17/100। अब देखिए हमारे पास में कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू 17/100 और साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू 9/20। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा की हेल्प से हम पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम साइन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। नाउ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू 17/100 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास में है 9/20। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, 100 और 20 का एलसीएम 100, 100 से डिवाइड किया 1 का इंटू करेंगे 17 माइनस 20 से डिवाइड किया 5, 5 9 जा 45, विच इज इक्वल टू 17 माइनस 45 करेंगे तो माइनस 15 में 7 माइनस करेंगे तो 8 और 4 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 28/100। इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, इसको 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, माइनस 7/25 आ गया माइनस 7/25। ये हमारी कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो आप साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम इस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हैं। सेंस साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। रख दो इसके अंदर वैल्यू, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में माइनस 7/25 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 और 25 स्क्वायर 625। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, एलसीएम आ जाएगा 625, ये 625 1 से डिवाइड करें और 1 का इंटू करेंगे तो 625 माइनस 49 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 625 से 49 माइनस करते 15 माइनस 9 6 और यहाँ बचा 1, 11 माइनस 4 7 और ये 5, 576 अपॉन 625। स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लेते हैं, 576 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट 24 और 625 का 25, तो हमारा आंसर आ गया 24/25। ये वैल्यू हो गई हमारी साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24/25। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, शो दैट कॉस पार्ट है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये ए और बी की वैल्यू हमको गिवन है, तो हमको ये दो चीज प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों कंडीशन को हम पहले ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड सेकंड कंडीशन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी। अब देखो अगर हम इसको इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर ले तो यहाँ से ए स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ से बी स्क्वायर मिल जाएगा, और इन दोनों को अगर अपन प्लस कर ले तो ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, और अगर दोनों का स्क्वायर करके ये ए स्क्वायर हो जाएगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर ले या इसमें से इसको माइनस कर ले तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म भी हमको मिल जाएगी, और जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। इसमें से एक पार्ट अपने पास में प्रूफ हो जाएगा ये वाला, जब अपन स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली एक टर्म आएगी, और एक माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आएगी, उसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। और जैसे ही अपने पास में कॉस अल्फा प्लस बीटा आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा को अंडर रूट साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, इसकी हेल्प से अपन साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो इतनी आ जाएगी। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दोनों को स्क्वेयरिंग करके ऐड कर देता हूँ, पहले इनको स्क्वेयर करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर कर लो पहले, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा, टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, अब इसका स्क्वायर करके ऐड करना है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखो इसको, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये वन हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन, और इन दोनों में से टू कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस वन प्लस ये टू कॉमन निकाल लिए हमने लास्ट टू टर्म में से, ये तो ये साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो गया वन और वन टू प्लस टू, ये फॉर्मूला बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको कॉस अल्फा माइनस बीटा बोल सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको एक इक्वेशन देके छोड़ दो, ये अभी काम में आएगा अपने आप, और अपने को चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, तो पहले इसका स्क्वायर कर लो और इसमें से इसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, तो एंड बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर करो पहले, ये कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब इसका स्क्वेयर करके माइनस करना है, माइनस साइन का इंटू करते जाएंगे, माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकाले। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, अब इसको देखो ये कॉस स्क्वायर अल्फा है और ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को अपन कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, वैसे ही आपका ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का है और ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का, इसमें भी हम वही वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कॉस बीटा प्लस अल्फा एक ब्रैकेट में और दूसरा कॉस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों में से टू कॉमन निकाल लेते हैं तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसको कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो
आइडेंटिटी में यहाँ लिख देता हूँ, क्या आइडेंटिटी है, सेंस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। ये आइडेंटिटी अपने पास, इसका यूज करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा को कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख दिया मैंने, अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद ये कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा को भी लिख लो ऐसे ही, प्लस कॉस बीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा। बीटा पहले था प्लस वाला और अल्फा माइनस वाला बाद में था, तो कॉस बीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा, और टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा में से टू कॉमन निकाल रहा हूँ, प्लस ये टू कॉमन निकाल लिए तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू। अब देखो इसको, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, और ये बीटा माइनस अल्फा को माइनस का साइन कॉमन निकाल के अल्फा माइनस बीटा लिख लेते हैं, और इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस, ये बीटा प्लस अल्फा को अल्फा अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस, ये यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है तो माइनस का साइन कॉमन निकाल लिए, तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो गया। और प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस टू कॉस अल्फा प्लस टू इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते, प्लस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो ये माइनस माइनस एक्स हो गया, सेंस कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है तो ये प्लस हो जाता है, तो यहां से ये वाली जो वैल्यू है ये प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाए, माइनस का साइन यहां से हट जाएगा, एक स्टेप में लिख लेते हैं हम इसको, पहले ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गए, प्लस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा दो बार है, तो इसको प्लस टू टू टाइम्स लिख लेते हैं, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और प्लस ये टू कॉस अल्फा प्लस बीटा एज इट इज टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहां से हम ये कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल लेते हैं, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा और ये कॉस अल्फा प्लस, ये टू को ही रहने दो, टू भी निकाल सकते हैं लेकिन टू अभी अपने काम में आ जाएगा। यहां से कॉस अल्फा प्लस बीटा मैंने कॉमन निकाला, तो यहां बच जाएगा आपका टू कॉस अल्फा माइनस बीटा और प्लस टू। अब इस ब्रैकेट को देखो, ये टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस टू, ये अपनी वैल्यू निकली हुई है टू प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये इक्वेशन वन से हम इसको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल है, तो विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल आ गए। लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था वो भी लिख देता हूं मैं,
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखिए यही था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। और ये जो वैल्यू अपनी चल रही है ये किसके इक्वल चल रही है, ये चल रही है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यू चल रही है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ, ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आ गया हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, या इसको इस साइड लिख दे तो ऐसा लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ये एक पार्ट प्रूफ हो गया अपना, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड पार्ट पहले प्रूफ हो गया। यहाँ लिख देते हैं हम रूट सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट अपना पहले प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसी की हेल्प से साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास में उसको रख देते हैं अंडर रूट, ये 1 माइनस स्क्वायर करेंगे उसका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं विच इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा एलसीएम आ जाएगा, ये वन में इंटू कर देंगे इसका, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे का होल स्क्वायर है आपका, ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसको अंडर रूट के बाहर करके बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, ऊपर इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से और इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा बी रेस टू द पावर 4 प्लस ए रेस टू द पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से खोलते सामने माइनस साइन है, माइनस साइन के इंटू करते आएंगे तो माइनस बी रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4 माइनस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो प्लस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ये ए रेस टू 4 नेगेटिव, ए रेस टू 4 पॉजिटिव, बी रेस टू 4 नेगेटिव, बी रेस टू 4 पॉजिटिव, ये 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू डेनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और न्यूमरेटर में अंडर रूट 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का अंडर रूट ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट 2 और बी स्क्वायर का बी और ए स्क्वायर का ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं हम 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यही हमको प्रूव करना था कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट था साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ यहाँ पर, अब आप यहाँ पे हैंस प्रूफ लिख दो, ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते। तो
That's enough for today. Remaining questions of this exercise we will solve in next class. Okay, bye.